भाई हीरो की मैवरिक 440 है आज हमारे पास, और इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ को आज टेस्ट करके देखते हैं हम। यहाँ पे रन ऑफ कच्छ में हैं और यहाँ पे गीली मिट्टी है, मतलब नमक है, मिट्टी भी है और गीली मिट्टी है पूरी। और यहाँ पे बाइक एक बार धस गई ना फिर निकलने का नाम नहीं लेगी, तो एक बार इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ को थोड़ा टेस्ट करके देखेंगे। बाकी इस बाइक के बारे में अगर आपको बताऊँ तो इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, ड्यूअल चैनल ABS है, असिस्टेंट स्लिपर क्लच है, तो दो ही इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स हैं इसके अंदर। हीरो की मैवरिक 440 के साथ थोड़ी सी ऑफ रोडिंग यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ जो अगर इसके अंदर हो जाएँ तो उसके बाद ऑफ रोडिंग के लिए थोड़ी और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। हालांकि ये बाइक ऑफ रोडिंग के लिए बनी नहीं है, ये बाइक रोड पर्पज़ के लिए बनाई गई है। इसको मोस्टली सिटी में राइड करने के लिए बनाया गया है और लॉन्ग हाईवे राइड्स करने के लिए बनाया गया है, और इसीलिए इस बाइक के अंदर ब्लॉक पैटर्न टाइप के डुअल पर्पज़ टायर्स नहीं है। इसी वजह से इस बाइक के अंदर सुपर मोटो ABS नहीं है, यानी कि जो रियर व्हील वाला ABS है उसको ऑफ करने का कोई भी इसके अंदर ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ये फीचर्स इस बाइक के अंदर नहीं है क्योंकि ये इस पर्पज़ के लिए बाइक बनाई ही नहीं गई है। लेकिन अगर आपको इस बाइक के साथ ऑफ रोडिंग करनी है तो बाइक में डुअल पर्पज़ वाले टायर्स इस बाइक के अंदर आप लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत इस बाइक के साथ आप इंजॉय करके देखते हैं। क्या बात है यार, यहाँ तो स्किड कर रही पूरी पूरी, और क्या मज़ा आ रहा है फर्स्ट गियर में ही, क्योंकि फर्स्ट गियर में ही ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर लेती है यार। इनिशियल टॉर्क इतना ज़्यादा अच्छा है इसका, इनिशियल टॉर्क अच्छा होने की वजह से यार ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी यहाँ पे। और इसको खड़े होकर अगर चलाएंगे ना, वाह यार यहाँ पे भी खूब मज़ा आ रहा है इसको खड़े होकर चलाने में भी। सेकेंड गियर में 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुँच जाती है, और इनिशियल टॉर्क इस बाइक का 2000 RPM पे ही पहुँच जाता है भाई, 90% टॉर्क अचीव कर लेती है ये। ये भाई बाइक फंस गई है मैवरिक तेरी की। क्या कर दिया भाई ये क्या कर रहे हो यार, दो बंदे मिलके निकाल रहे हैं अभी इसको। अरे निकालो भाई निकालो, निकाल दिया भाई। अरे ये तो पूरी अंदर बैठ गई थी। तो भाई मज़ा आ गया यार इस बाइक के साथ थोड़ी सी ऑफ रोडिंग ट्राई करके ना, बिल्कुल ही मज़ा आ गया यार। क्या मक्खन इंजन है यार इस बाइक के अंदर, 36 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क है जो 90% 2000 RPM पे डिलीवर हो जाता है। इसी वजह से इनिशियल पंच इनिशियल एक्सेलेशन बाइक का ज़बरदस्त है यार, और ऑफ रोडिंग करने में मज़ा आ गया। हालांकि बाइक के अंदर सुपर मोटो ABS नहीं है, उसके बावजूद भी बाइक यार बहुत ही बढ़िया लग रही है। बस एक छोटी सी कमी ये लगती है कि इसके अंदर USD फोक्स होते, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन होता, तो फिर थोड़े से बाइक के लुक्स भी अच्छे हो सकते थे और बाइक की जो है कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी भी थोड़ी अच्छी हो सकती थी। लेकिन हीरो ने प्रैक्टिकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बाइक में अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स की बजाय टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स दिए हैं, और रियर में ट्विन चोक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिए हैं ताकि बाइक की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी सही रहे। और इंडियन रोड्स की कंडीशन की वजह से यार बाइक के अंदर टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स थोड़े ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसी वजह से हीरो ने इस बाइक में USD फोक्स नहीं दिए हैं। तो इस वीडियो में यार फिर इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो @KTKMotoVlogs पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ।